हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया में एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि कल सोमवार से फिर से भारतीय बाजार ओपन होने वाला है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगलवार को अपने आप में बहुत बड़ी इवेंट भी है भारतीय बाजारों में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बजट का दिन मंगलवार को है, तो बजट के दिन के ऊपर यहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है बाजार को। और यहाँ पे खास करके बात करूँ आज की वीडियो के संदर्भ में, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर को भी कई ज्यादा उम्मीदें हैं, जो कि यहाँ पे मंगलवार को क्या होता है उसके ऊपर अभी देखने वाली बात होगी। परंतु तो फिलहाल अभी जो खबर है उसके ऊपर मैं ध्यान रखना चाहूंगा और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बजट के चलते वोडाफोन आइडिया में और पूरे बाजार में भयंकर वॉलीटिलिटी रह सकती है, तो आपको डेफिनेटली लेवल्स को पकड़ करके प्ले करने की सलाह दूंगा। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे, कल क्या कर सकते हैं इंट्राडे में वो सब बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली जुड़ जाइए। कल से आपको वहां पे इंट्राडे कॉल्स, स्विंग ट्रेड कॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, और यहां पे मिलते भी रहे हैं। अगर आप इसका पार्ट नहीं बने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। पहले बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्लोजिंग किस तरह की रही थी वोडाफोन आइडिया की फ्राइडे को। तो फ्राइडे की क्लोजिंग बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली गूगल पे लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे क्लोजिंग आपके सामने है। क्लोजिंग दोस्तों बताने चाहूंगा 10.75 रुपये के आसपास है, 1% की तेजी के आसपास बंद हुआ था। और यहाँ पे तेजी के पीछे जो खबरें थी वो तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दी। यहाँ पे पहले बताना चाहूंगा कि कारोबार की सिचुएशन भी कैसी रही थी, तो कारोबार की सिचुएशन भी बढ़िया नजर आ रही थी। यहाँ पे देखे दोस्तों 10.75 रुपये के आसपास क्लोजिंग, और यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग 10.65 रुपये, ओपन 10.90 रुपये, हाई 11.30 रुपये, लो 10.70 रुपये, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 10.80 रुपये। क्वांटिटी देखें तो 30 करोड़ 71 लाख शेयर की, जिसमें से 8 करोड़ 42 लाख शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 27.5% के आसपास की है, तो डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज नजर आ रहा है। यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो खबर है जो कि निकल करके आ रही है बंद मार्केट में, वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो हेडलाइन प्रेजेंट करना चाहूंगा, ITAT अलाउज डिप्रिसिएशन ऑन स्पेक्ट्रम फ्रीज। मतलब कि ITAT, इसका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि द इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच हैज अलाउड रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया एंड हेल्ड द डिप्रिसिएशन अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 शुड बी अलाउबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फ्री। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ITAT की तरफ से वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती हुई दिखाई दे रही, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अलाउ किया है पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फ्री को लेकर के। तो देखने वाली बात होगी कि इस खबर की असर यहाँ पे कल सोमवार को किस तरह की आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये खबर ओनली टैक्स कैन की वेबसाइट पे नजर आ रही है, बाकी कोई भी वेबसाइट पे इस खबर का मुझे यहाँ पे कोई भी पता नहीं चल पाया है। तो अभी ये कितनी सही है कितनी गलत है वो बताना मेरे लिए मुश्किल है, परंतु ये खबर निकल करके आ रही है जो कि वोडाफोन डे के लिए अच्छी है। अगर ये खबर सही होती है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन डे पे कल अच्छी असर देखने को मिल सकती है। चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा, चार्ट पे हम कौन से लेवल को पकड़कर प्ले कर सकते हैं यहाँ पे वो बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट पे लेके आए, और चार्ट आपके सामने जीरो धा का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहीं ना कहीं अभी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 10.50 रुपये में एक और ब्रेक लेवल है, ये लेवल संभल गया तो मुझे लगता है आपको बाउंस बैक डेफिनेटली संभव है। 11.75 रुपये पहला टारगेट, ऊपर और निकला तो 11.50 रुपये, ये दो शॉर्ट टर्म हडल आपको इंट्राडे में कल नजर आ सकते हैं। 10.75 रुपये के आसपास प्राइस चल रही, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। अगर नीचे आया तो 10.5 के आसपास बाइंग करे, ऊपर गया तो 11.15 रुपये के आसपास अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहां शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर आपको SL डेफिनेटली रहना है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने लगा तो फिर आपको एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद अगर भागा तो 11.5 तक भी भाग सकता है। तो इन दो लेवल को आप शॉर्टिंग के तौर पर देख सकते हो, नीचे की तरफ 10.5 के आसपास आए तो बाइंग के तौर पर भी दे सकते हो, या पे कल की रणनीति डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे और बताना चाहूंगा, RSI का लेवल वीक है, 39 के आसपास है। जी, RSI का लेवल 39 के आसपास है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी रिलेटिवली कम ही नजर आ रहा है वोडाफोन डे में। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इन लेवलों को वॉचआउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कॉरिडोर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।